नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से किट्टू बावर्ची यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बनाऊंगा भिंडी, बहुत ही आसान, झटपट और स्वादिष्ट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करते हैं। उसमें डालते हैं 3 चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे 5 फोरन मसाला, 1/2 चम्मच। यह आ गया हमारा फ़ौरन। इसको थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए फ्राई होने दें। साथ ही डाल दें इसमें कटी हुई हरी मिर्च। इन दोनों को फ्राई करेंगे हम 30 सेकंड के लिए। जैसे ही फ़ौरन और मिर्ची फ्राई हो जाती है, हम इसमें चंक्स में कटे हुए प्याज 1.5 कप के करीब मिला देते हैं और प्याज को भूनते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। जब इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा उस स्टेज तक, ये देखिए हल्का ब्राउन कलर आने लगा है, किनारे जो हैं वो ब्राउन होने लगे हैं। अब हम डाल देंगे ये बारीक कटी हुई भिंडी। इसको मिक्स करेंगे प्याज के साथ और ऐसे ही इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट, बिल्कुल बिना मसालों के एकदम बन के तैयार हो जाती है और किसी भी मेन डिश दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छी जाती है, साइड डिश की तरह। ये देखिए आ गया हमारा नमक। भिंडी में डाल देते हैं ये स्वाद के अनुसार, सेहत के अनुसार नमक। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी, लगभग 1/4 चम्मच के करीब। साथ ही जाएगा इसमें ये फ़ौरन का पाउडर है, जो फ़ौरन हमने तड़के में डाल दिया था उसी को हमने ग्राइंड करके उसका एक पाउडर बना लिया है। 2 चम्मच के करीब लगभग जाएगा फ़ौरन। ये साथ ही डालेंगे इसमें हम एक मीडियम साइज का चंक्स में कटा हुआ टमाटर और इन सब को एक साथ मिक्स करेंगे और सब्जी को मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। चाहे आप खुला भी छोड़ सकते हैं या ऐसे ही ढक के पका दें ढक्कन लगा के। मैं तो इसको खुला ही पकाऊंगा 10 से 12 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाते रहना है। जैसे ही 10 से 12 मिनट होगा, सब्जी का कलर एकदम शानदार हो जाएगा, स्वाद तो इसका बढ़िया है ही, ये देखने में भी खूबसूरत लगेगी। ये आ गया लास्ट में हमारा कटा हुआ पुदीना और ये कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको मिक्स करते हैं और सब्जी हमारी लगभग बन के तैयार है। इन सबको मिला लेते हैं। ये है परोसते, प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। कितना अच्छा कलर है इसका, ये देखिए ऊपर